लेकिन एक कॉमेंट पे यहाँ पर करनी सेना इसकी तरफ से कालरी जी हमारे साथ हैं, आपका अनुमान क्या कह रहा है, क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है, जो समाज की बहन बेटियों और समाज के लोगों को जो दबाया जा रहा है प्रशासन से और जो मौजूदा जो सरकार है इनके ओर से, तो बहुत ही दुखद बात है और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है इससे। आपको बदलाव चाहिए? बदलाव बिल्कुल चाहिए, समाज पहले है। जो ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं इसमें राम राज्य है कि जनता जनार्दन राम से भी बड़ी होती है, तो हमको वो राम राज्य चाहिए। राम मंदिर तो आया ही है, राम राज्य भी आप स्थापित, राम मंदिर आप ले आए, राम राज्य कब लाएंगे? राम राज्य की स्थापना तो 2014 में और 2017 में हो चुकी थी। हाँ। वो देखने का नजरिया एक महीना पहले यही क्षत्रिय समाज भी सब चीज अच्छी बता रहे थे, लेकिन ये समय समय की बात है। रामराज आ चुका है, 370 धारा हटने का मतलब राम राज्य है। ठीक है, आपके अपने मुद्दे हैं, अब जरा नीचे चलते हैं, फिर आप लोगों के पास में आऊंगी, जनता का भी हम रुख करेंगे और ये समझेंगे कि जनता आखिर इसे लेकर क्या कह रही है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर बहुत मायनों में खास हो जाता है। आप राम मंदिर के बाद राम राज्य की बात जिस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों के बीच उसे लेकर क्या एक परसेप्शन बना है और क्या वाकई उनके लिए विकास की परिभाषा कुछ और है? गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करते हैं, चलिए नीचे चलते हैं इस लिफ्ट पर सवार होकर, और अब जनता जनार्दन को सुनने और उन्हें समझने का वक्त है, और फिर नीचे पूरा पैनल हमारा इंतजार कर रहा है, कई खास मेहमान हमने नीचे भी बुलाए हैं जो बताएंगे और जवाब देंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर देखिए जिस तरीके से दावा भी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे कि मोदी की गारंटी ही काफी है जनता के लिए, उन्हें किसी और पर ना तो भरोसा है और ना ही वो किसी और पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर अब जनता क्या कहेगी, मैं आप लोगों के बीच आऊंगी। एक बार जोरदार तालियों से जरा स्वागत कर दीजिए हमारे इस मंच का, मैं आपके बीच आती हूँ, लेकिन पहले जरा अपने मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक करके परिचय उनका करा दें, और एक एक सवाल भी उनसे लेना बहुत जरूरी है, फिर आपके बीच आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। और देखिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएलडी की तरफ से हमारे साथ जनार्दन भाटी जी हैं, बीएसपी के नेता राजकुमार गुर्जर हमारे साथ हैं, प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता। तो शिवम त्यागी जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि एक सवाल ऊपर से आपके लिए आया है, राम मंदिर तो ले आए आप, राम राज्य कब? मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर ले आए और राम राज्य कब, तो वो किससे उम्मीद कर रहे हैं? इमरान मसूद से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राम राज्य लेकर आएगा, या फिर वो उनसे उम्मीद कर रहे हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे वो राम राज्य लेकर आएंगे? इस देश में इस समय जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद, मैं कहता हूं लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है राम राज्य की तरफ ही अग्रसर है। एक सवाल और उठाऊ पर भाटी जी ने कहा कि भाई वो जो किसानों की परेशानी सॉल्व करेगा हम उसके साथ, मान लीजिए समाजवादी वाले, एक बात से मैं सहमत हूं, समाजवादी वाले किसानों की सारी परेशानी सॉल्व कर देते हैं वो, क्योंकि वो करते क्या है, वो कहते हैं कि भैया बना हुआ मकान तुम्हारा, खाली प्लॉट हमारा, वो कब्जा करके जमीन ही लेके निपटा देते हैं, उसकी कहानी के जी हो गई छुट्टी आपकी। विषय बहुत साफ है, इस देश में गरीब किसान महिला युवा जो भी इनके मुद्दों की बात करेगा, जो भी इनकी बात करेगा और जो धर्म का सम्मान करेगा सबका, वो मानता है वही सरकार में आएगा। और जनता ने वैसे भी ठाना ही हुआ है, अब की बार 400 पार। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, अभी रांची में एक रैली चल रही थी आरजेडी कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले, आपस में ऐसी कुर्सियां बजी है ना कार्यकर्ताओं में, ऐसे बदहवास हो चुके हैं। पहले ही फेज के बाद इन्होंने तो कहा ही था कि हाथ बदलेगा, हालात बदल दिया, हालात जब भी आएंगे दंगा ही कराएंगे। मैं जवाब ले लूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यहां तक कह दिया है भाटी जी कि दो शहजादों को तो पहले ही नकार चुकी है जनता, फिर इस बार आपका कॉन्फिडेंस किस आधार पर? दो तीन बातें, जो सबसे पहले किसान की बात कर रहे थे, किसान हो, युवा हो, गरीब हो, महिलाएं हो, वो सब ये अब कह रहे हैं भाजपा के लिए कि वफा की राह में गर्दो गुबार होने तक मैं तेरा हूँ, तेरा शिकार होने तक। तो इन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा है, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस ग्रेटर नोएडा के अंदर, इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर किसानों के लिए चार चार गुना जमीन का मुआवजा बढ़ाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, एक रुपया उसके बाद इन्होंने भाजपा सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया। इनके विस्थापन, अगर हम एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ किसान को आप 500,000 गज जमीन से विस्थापित करके 50 गज जमीन के अंदर लेके आ जाते हैं, उसके वो क्या उसमें खाएगा और क्या अपने पशुपालन करेगा? उसके साथ साथ प्लॉटों के उनके मुद्दे हैं, अधिकरण के मुद्दे हैं, कुछ उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये मुद्दे आपका कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि इस पर बीजेपी विफल रही है? सारे मुद्दों पे बीजेपी विफल रही है, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, चाहे वो युवाओं के मुद्दे हो। युवाओं के लिए पेपर लीक से लेके भर्ती घोटाले हुए, सचिवालय भर्ती घोटाले हुए, उसके बाद 59,000 शिक्षक अपनी नौकरी के लिए हमारे साथ नीचे भी हैं, उनसे हम पूछेंगे। ठीक है, जल्दी
महिलाओं के लिए, जिस तरह से महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है, जिस तरह से हमारी पहलवान महिलाएं हो, चाहे मणिपुर से लेके और आपके यहाँ तक बदायूं हमारा पे जो हाल रहा है, चाहे हमारा उन्नाव पे रहा है, इस तरह पे जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया गया, उसको देखते हुए अगर बीजेपी महिलाओं के हित की बात करे तो बड़ा ही शर्मिंदी। छोटे छोटे में सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए, मतलब बीएसपी की क्या तैयारी है, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपके लिए क्या संभावनाएं बन रही? देखिए, बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जिस हर बार की तरह बीएसपी अपने कोर वोटर के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है, और बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 45 सीटें आ रही है। जो बहन जी का अपने वोटरों पर विश्वास है वो कायम है, और बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। बीएसपी इस तरह की हवाबाजी में कभी पहले ना काम करती थी, ना अभी भी काम कर रही है। बीएसपी का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और इस बार परिणाम बीएसपी के हक में आने जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर की सीट बसपा मजबूती से जीत रही है, बसपा मजबूती से जीतेगी। आरएलडी के यहाँ पर हमारे साथ नेता है, ये मुझे बताइए कि अब तो क्योंकि आप उस 400 प्लस के नारे को आप लोग भी बुलंद कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि मुमकिन हो पाएगा क्या गौतम बुद्ध नगर जिले में? ये तो कंफर्म है। जैसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 400 पार का जो नारा दिया है, गौतम बुद्ध नगर की जनता ने मन बना लिया। डॉक्टर महेश शर्मा जी 10 लाख पार से जीतेंगे, ये मन बन चुका है। एक तरफा चुनाव है, यहाँ विपक्ष के पास कोई ना मुद्दा है। विपक्ष एक ऐसी पार्टी है, मैं अभी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के भाई से बात कर रहे थे कि इन पर तो प्रत्याशी चयन नहीं हुआ। प्रत्याशी चयन एक दिन अवाना जी होते हैं, एक दूसरे दिन डॉक्टर महेंद्र नागर जी होते हैं। जो प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकते वो जनता की बातों को कैसे उठाएंगे, कहाँ है? और समाजवादी पार्टी के चरित्र की बात मैं कर दूं किसानों के बारे में, 2016 में अखिलेश सरकार ने इस गौतम बुद्ध नगर के 55 गांवों के किसानों के साथ जो छल किया, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया 10% प्लॉट के लिए, और इस सरकार ने, उस वर्तमान सरकार ने 16 में, अखिलेश सरकार ने उसको नष्ट करा दिया। और आज दर दर की ठोकर किसान यहां पर 8 महीने जिस संघर्ष में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी रही, 8 महीने अथॉरिटी पे पड़ी रही, और वो किसान जो आज करोड़ों के प्लॉट होते, इन लोगों ने एक रात में उन चीजों को खत्म करा दिया। कहाँ है किसान हित का जवाब वो देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आप कांग्रेस के पास आते हैं, और कांग्रेस को लेकर भी जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, और वो ये कह रही है कि आपकी पार्टी भी उसे अस्वीकार कर चुकी है, तो फिर वो कैसे इस बात का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? आप किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? आप उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो 2014 से लेकर 24 तक लोगों को ठगता रहा? वो उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो किसानों को डबल आय इनकम करने वाली सरकार जो फेल कर गई? आप उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो 2 करोड़ जनता दो करोड़ नौकरी देने की बात थी और नहीं दिया? आज पूरे घोषणा पत्र में न किसानों के बारे में कोई बात लिखा है, न बेरोजगारी के बारे में लिखा है, न महंगाई के बारे में लिखा है। और ये जो गुब्बारा सपनों के सौदागर बन के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये पूरी बौखलाहट 102 जो अभी पीछे इलेक्शन हुआ है उसमें पूरा साउथ में साफ और नॉर्थ में पूरा हाफ हो गया। 8 की 8 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जा रही है, क्यों नहीं जाएगी आप बताएं? आप अगर किसानों के बारे में, अगर आप किसानों की, आप कह रहे हैं 8 की 8 सीटें आपके पास, 8 की 8 सीट इंडिया, उसका कारण केवल यह है कि आप किसानों के साथ धोखा किया है। आप किसानों का आंसू के साथ, आप मुझे बोले, मैं आप में बोला नहीं, आप मुझे बताएं आप किस तरह के आरएलडी हैं? आप तो थे इंडिया गठबंधन में, कौन सा लालच हो गया, क्या बात हो गया? आप जाटों को धोखा दे रहे हैं, आप किसानों को धोखा दे रहे हैं, आप धोखा देकर आप ले रहे हैं, और क्यों नहीं मिलेगी? मैं आपको बता देता हूँ, आने वाला उत्तर प्रदेश 80 का 80 सीट इंडिया गठबंधन को आएगी, और इनका 100 से कम सीट आएगा। बड़ा दिलचस्प, आपने कहा 80 की 80 सीटें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।